press the bell icon on the YouTube app and never miss an update from Shimmaru. Adarsh! Adarsh? इस बोतल में क्या है? गायब होने की दवा. गायब होने की दवा? हाँ. कल हमारा अशरफ कैंटीन का बिल दिए बिना गायब हो गया था ना? ये दवा मैं उसी के लिए लाया हूँ. और इस दवा से मैं कैंटीन का बिल भी वसूल करूंगा और उसे सजा भी दूंगा. तुम लोग एक काम करो, कॉलेज में सबको ये प्लान समझा दो. अशरफ कहाँ है? नहीं यार, नहीं नहीं. ए सुभाष, ये सब आदर्श से क्या मांग रहे हैं यार? अरे अशरफ, क्या बताऊं यार, आदर्श के हाथ में एक ऐसी दवा लग गई है जिसकी पीते ही आदमी गायब हो जाता है, दिखाई नहीं देता. जैसे मिस्टर इंडिया में अनिल कपूर गायब हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही. अरे सर सोच यार, आदमी दिखाई न दे तो कुछ भी कर सकता नहीं. देख तेरे को बोलता हूँ, 100 रुपए तो बात कर. बोल आदर्श, इधर आना. अरे तू भी कहाँ इन भिकमंगों के चक्कर में पड़ा है? ये ले 100 रुपए और ये दवा मुझे दे दे. लेकिन ये दवा असर करेगी ना यार? भरोसा नहीं तो पी के देख ले. लेकिन तू गायब होके करना क्या चाहता है? तू तो जानता है यार, मैं सलमा की कब से फील्डिंग कर रहा हूँ. अगर ये दवा पीकर मैं सचमुच गायब हो गया तो कम से कम उसकी एक पप्पी तो ले सकूंगा यार. पप्पी? बस समझ ले चैंपियन, आज तेरा काम हो गया. ये ले बोतल और पी जा. ले. अरे अशरफ कहाँ है तू? अरे दिखाई नहीं दे रहा यार. क्या ए आदर्श, क्या मैं सचमुच गायब हो गया? अरे तू बिल्कुल गायब हो गया यार. लेकिन वो तेरा ट्रैक सूट नजर आ रहा है, उसका क्या करेगा? अरे ये क्या कर रहा है? देख ट्रैक सूट से तो लोग तुझे पहचान लेंगे, अंडरवेयर से नहीं. अब जा तू पप्पी ले जा. सो बॉयज एंड गर्ल्स, स्लीपिंग पार्टनर. स्लीपिंग पार्टनर? स्लीपिंग पार्टनर? स्लीपिंग पार्टनर? स्लीपिंग पार्टनर? सलमा, अशरफ, मुझे किस करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? ए सलमा, तेरे को मैं दिखाई दे रहा हूँ क्या? स्टुपिड, इस अंडरवेयर में पूरी लाइब्रेरी में सिर्फ तुम ही दिखाई दे रहे हो. क्या? ए आदर्श यार, ये गलत बात है. अशरफ मैडम, ये क्या बदतमीजी है? अगर तुम कॉलेज के चैंपियन ना होते तो मैं तुम्हें इस हरकत के लिए आज ही कॉलेज से निकाल देती. यू इडियट. यार तुम लाइब्रेरी में नंगे क्या कर रहे हो? मैडम जाओ, कपड़े पहन के आओ. आदर्श. अनिकेत. देखा अनिकेत, क्या हाल किया आदर्श ने मेरा. मेरे पैसे भी गए और मैं नंगा भी हो गया यार. भाग सुभाष. कितना फर्क है यार तुम दोनों भाइयों में. मगर अशरफ तू इतना बड़ा हो गया, तू इन लोगों के चक्कर में फंसा कैसे यार? चलो शुक्र है, 3 साल में लड़की न सही, लड़की का दुपट्टा तो तेरे हाथों में आ गया. अबे 3 साल में लोग 300 लड़कियां पटा लेते हैं और एक तू है. अनिकेत, जब तू गुड्डी को इतना ही चाहता है तो उसे कह क्यों नहीं देता तू उससे प्यार करता है? इसलिए कि ये प्यार एक तरफा है, सिर्फ मेरी तरफ से. और मैं अपनी हैसियत जानता हूं, तू भी तो जानता है वो कितनी अमीर है. लेकिन तेरे हालात हमेशा ऐसे थोड़ी रहेंगे. अरे एक दिन तू भी बहुत बड़ा आदमी बनेगा और फिर रुपया पैसा ही तो जिंदगी में सब कुछ नहीं होता. सब कुछ तो नहीं होता मगर बहुत कुछ होता है. उस चांद को देख दोस्त, उसे दूर एक फासले से सिर्फ देखा जा सकता है मगर अपने आंगन में उतारा नहीं जा सकता. मैं भी गुड्डी को ऐसे ही दिली दिल में प्यार करके खुश रह लूंगा. अरे अशरफ, उस दिन तू गायब हो गया था ना, आज मेरे पास एक ऐसी दवा है जिसे पीकर
टूट भी सकता है। सुभाष ये लो तुम्हारी किताब। ए पूजा, कब तक तुम लोग यूं ही छुप छुप कर एक दूसरे को किताबों में लव लेटर देते रहोगे? तुम लोग शादी क्यों नहीं कर लेते? अरे हम लोग तो शादी कर लेंगे, तू अपनी सोच, तू कब शादी करेगा? अरे शादी तो कल कर लूं यार, लेकिन आज तक ऐसी कोई लड़की नहीं मिली जिसे देखकर दिल। क्या हुआ? बज गई। क्या? दिल की घंटी यार। क्या लड़की है यार, इसे तो करीब से छू कर देखने को जी चाहता है। जूते खाने का इरादा है? जिंदगी में पहली बार एक लड़की पसंद आई है, अगर उसे छू कर नहीं देख सका तो अपना डॉक्टर पिलनकर किस दिन काम आएगा? यस, न्यू एडमिशन मेडिकल चेकअप सर। सिट डाउन। कहां से आई हो? गोवा से। गोवा। नाम? अनीता। माँ बाप? माँ बाप नहीं है सर, एक भाई है, इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर? दिखा जाए। कौन सी क्लास में हो? बीकॉम फाइनल, ए डिवीजन। ए डिवीजन, वेरी गुड। इसका मतलब अपनी क्लास में। डॉक्टर साहब ये क्या कर गए आप? चेकअप कर रहा हूँ। देखिए आप ये भूल जाइए कि आप एक लड़की हैं। यू आर जस्ट अ पेशेंट फॉर मी एंड आई एम जस्ट अ डॉक्टर। चलिए कमीज ऊपर कीजिए। जी। देखो अनीता, अगर तुम कमीज ऊपर नहीं करोगी तो चेकअप कैसे होगा? हाँ चलो कमीज ऊपर करो, बी अ गुड गर्ल। अब लेटो। जी। वेरी गुड, फैंटास्टिक, ब्यूटीफुल। इसे तो करीब से देखूंगा। ये क्या कर रहे हैं आप? ये दिल क्या सही जगह पर है? डॉक्टर साहब गुदगुदी हो रही है। गुदगुदी तो मुझे भी हो रही है, लेकिन क्या करूं? फैंटास्टिक, व्हाट अ चेकअप। अब तुम अपनी कमीज पहनो और जाओ यहां से। मगर डॉक्टर साहब मेरी रिपोर्ट? रिपोर्ट? रिपोर्ट इज एक्सेलेंट, फैंटास्टिक। क्या ख्याल रखा है आपने अपनी फिगर का, मेरा मतलब है स्वास्थ्य का। ये लीजिए आपकी रिपोर्ट, और प्रोफेसर को दे देना। रिपोर्ट? कैसे रिपोर्ट? डॉक्टर पिलंकर की रिपोर्ट सर। डॉक्टर पिलंकर की रिपोर्ट? आईज ब्यूटीफुल, लिप्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी, फिगर मार्वेलस, सीने के पास एक खूबसूरत दिल है। ये क्या है? अरे अनीता क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? वो आदमी। क्या? वो आदमी मेरा पर्स लेकर भाग गया, उसमें मेरे फीस के पैसे थे। मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। कहां गया वो? ऊपर। ए चोर बाहर निकल, बाहर निकल नहीं तो बहुत मारूंगा। मैडम आप? आदर्श तुमने गर्ल्स हॉस्टल में आने की हिम्मत कैसे की? एक चोर अनीता का पर्स लेकर भाग गया था, मैं उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ आया हूँ। अनीता? जी मैडम। क्या कोई चोर तुम्हारा पर्स लेकर भागा? किस चोर की बात कर रही हैं आप? मेरा पर्स तो मेरे पास है। आदर्श तुम यहाँ गर्ल्स हॉस्टल में? क्या? मारो इसको। अनीता, एक अदा है तुम में, मैं तुम पर मर मिटाऊं, प्यार करोगी मुझसे? प्यार और तुमसे?
देखो आदर्श, एक दिन डॉक्टर बनकर तुमने मुझसे मजाक किया था, उसका बदला मैंने ले लिया, हिसाब बराबर हो गया। हिसाब बराबर नहीं हुआ मैडम, तुमको देखते ही ये जो मेरा दिल है ना, वो कहीं खो गया है। बताओगी कहाँ है वो? मुझे क्या मालूम, तुम ढूंढो, मुझे घर जाना है। देखो, अगर तुमने मुझे मेरे दिल के बारे में नहीं बताया तो मैं सीधा तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। अगर हिम्मत है तो आ जाओ, मेरे भैया भी इंस्पेक्टर हैं, ठीक कर देंगे वो तुम्हें। अनीता, इस्त्री कर दी मेरे कपड़ों को? बस कर रही हूँ भैया। जल्दी से नाश्ता भी लगा रहे, ड्यूटी पर जाना है। नाश्ता तैयार है, पहले आप नहा तो लीजिए। ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम यहाँ क्यों आए हो? कंप्लेन लिखाने आया हूँ, तुम्हारा भाई इंस्पेक्टर है ना, मेरा दिल खो गया है। आदर्श, तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ, तुम जानते नहीं भैया घर में। साबुन कहाँ है? अरे अंदर पड़ा होगा, ले लेना। भाई, साबुन कहाँ है? अनीता? जी भैया। मैं पूछ रहा हूँ साबुन कहाँ है? वही बाथरूम में होगा भैया। ठीक है, मैं ले लेता हूँ। देखो आदर्श, आदर्श कहाँ गया? ये क्या कर रहे हो? ये नाश्ता तो भैया का है, उठो जाओ यहाँ से। जाता हूँ, पहले ये तो बताओ कि मेरा दिल खोया कहाँ है। ठीक है, बैठे रहो, भैया को बाहर आने दो, फिर देखो। अरे बाहर आने की क्या जरूरत है, मैं खुद ही अंदर चला जाता हूँ। वैसे भी मैं आज नहाया नहीं हूँ, सोच रहा हूँ कि उन्हीं के साथ नहा लूँ। अनीता, टॉवल रखना फिर भूल गई। आदर्श, देखो भैया नहा चुके हैं, अभी बाहर आएंगे, तुम प्लीज जाओ यहाँ से। चला जाऊंगा, पहले ये तो बताओ कि मेरा दिल खोया कहाँ है। कल बताऊंगी, अभी तुम जाओ यहाँ से। अरे अनिकेत, तेरा नौकरी का वक्त हो गया और तू अभी तक गया नहीं। ऐसे कैसे चला जाता, इतने सालों से शाम की चाय हम लोग एक साथ पीते हैं, अब तो आदत सी पड़ गई है। आ गए आप, फिर किताबें ले आए, लाइए तनख्वाह के बाकी रुपए मुझे दीजिए, वरना उसकी भी किताबें ले आएंगे आप। ये रही तनख्वाह और ये रहे 3 अलग अलग नोट। आज मैं तुम्हें फिर मौका देता हूँ, उठा अपनी पसंद का नोट। अरे माँ, तू कब समझेगी, नोटों की कीमत रंगों से नहीं नंबरों से पहचानी जाती है। तू हमेशा छोटा नोट उठाकर अपना नुकसान क्यों करती है? मैं जो नोट उठाती हूँ ना बेटा, वो सबसे बड़ा नोट होता है। वो कैसे? पिछले 20 बरसों से ये खेल इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं सबसे छोटा नोट उठाती हूँ। अगर सबसे बड़ा नोट उठा लेती तो ये खेल उसी वक्त खत्म हो जाता और मुझे ये नोट ना मिलता। अब 20 के लालच में मैं 5 का नोट क्यों गवा दूं? पिछले 20 साल से मुझे हमेशा 5 रुपए तो मिले हैं ना। माँ, तू तो हम सबसे ज्यादा होशियार निकली, लेकिन अब ये खेल ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। 6 महीने के बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा, फिर मुझे तनख्वाह भी नहीं मिलेगी और मैं तुझे 5 रुपए भी नहीं दे पाऊंगा। आप उदास क्यों होते हैं बाबूजी? 6 महीने बाद मुझे डिग्री भी मिल जाएगी, इधर आप रिटायर हो जाएंगे और उधर मैं नौकरी पर लग जाऊंगा, घर की सारी जिम्मेदारी मैं संभालूंगा बाबूजी। मुझे अनिकेत की फिक्र है आदर्श, बस मेरे बच्चे को स्कॉलरशिप मिल जाए, वो विदेश से इंजीनियर बनकर आए, नए विचार लाए और एक ऐसी फैक्ट्री बनाए जहां सिर्फ मालिकों का ही नहीं बल्कि मजदूरों का भी भला हो। बेटा क्या बताओ, मशीन पर काम करते हुए कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे खून जलकर पसीना बन रहा हो। बाबूजी बहुत काम कर लिया आपने, अनिकेत विदेश पढ़ने जरूर जाएगा, काम मैं करूंगा। बाबूजी, मैं एक मजदूर का बेटा हूं और आपसे वादा करता हूं कि जहां भी काम करूंगा मजदूरों के हक का ख्याल हमेशा रखूंगा।
गोली चलाने का हुक्म देना पड़ेगा। चलाओ गोली, मगर आज तुम पुलिस वाले इन गरीब मजदूरों को रोक नहीं सकते। इनके नेता का मर्डर हुआ है और वो मर्डर इस फैक्ट्री के मालिक ने करवाया है। आज हम राख कर देंगे इस फैक्ट्री को, आलीशान बंगले से सड़क पर ले आएंगे साबरा सेठ को। इस फैक्ट्री को आग लगा रहे तुम लोग, जो तुम लोगों के बच्चों के पेट की आग बुझाती है। क्या मिलेगा इसे जलाकर? बदला पूरा हो जाएगा तुम लोगों का। अरे आज जो आधी रोटी तुम लोगों को नसीब हो रही है ना, उससे भी तरस जाओगे तुम लोग। कौन आग लगाना चाहता है इस फैक्ट्री को? तू कौन होता है पूछने वाला? मैं आग लगाना चाहता हूं। तो तुम सब इसके बहकावे में आकर इस फैक्ट्री को आग लगाना चाह रहे थे। जानते हो ये कौन है? ये क्या, शहर का बच्चा बच्चा जानता है कि मैं बाबा नायक एक गुंडा हूं, मगर मैं गुंडा सिर्फ अमीरों के लिए हूं। आज तक किसी गरीब आदमी का अकाउंट बंद नहीं किया मैंने। मैं किसी गरीब पर जुल्म होते नहीं देख सकता। मैं गुंडा हूं, मगर मेरे भी कुछ असूल है। गुंडे का सिर्फ एक ही असूल होता है कि उसका कोई असूल नहीं होता है नायक। अबे तू पागल है क्या? मेरे को जानता भी है और मेरे से ऐसी बात करता है? बाबा नायक के अक्का लाइफ में पहली टाइम किसी ने ऐसी बात की है। वापस चला जा नायक, नहीं तो आज पहला टाइम तेरा दादागिरी भी निकल जाएगा। क्या बोला? अगर इन गरीब मजदूरों को बहका कर किसी मुसीबत में डाला ना, तो यही इसी सड़क पर मारूंगा तुझे। तमाशा बना दूंगा तेरा। याद रख छोकरे, तूने बाबा नायक का हाथ पकड़ा है। आइंदा हाथ उठाने की कोशिश की तो मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगा नायक। आजाद देशपांडे, क्या हो रहा है यहाँ? मैं बताता हूँ सर, ये जो गुंडा है ना नायक, ये इन मजदूरों को भड़काकर इस फैक्ट्री को आग लगाना चाहता है सर। यहाँ इतना सब कुछ हो रहा है और इंस्पेक्टर तुम खड़े खड़े क्या कर रहे हो? सर हम लोग इंतजार कर रहे थे कि ये सब गरीब लोग तोड़ फोड़ पर उतर आए और तुम्हें गोलियां चलाने का मौका मिल जाए, यही ना? नहीं सर। शट अप, मुझे इस मामले की पूरी रिपोर्ट चाहिए। जी सर। क्या नाम है तुम्हारा? आदर्श। वाकई तुमने अपने नाम जैसा काम किया है बेटे। क्या करते हो? कॉलेज में पढ़ता हूँ सर, इम्तिहान दिया है, रिजल्ट आने वाला है। तुम जरूर पास हो जाओगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। नंदू। यस सर। इस लड़के पर नजर रखना, हिम्मत वाला है, किसी दिन हमारे काम आएगा। देख रहे हैं रोहित साहब, नौकरी एक और एप्लीकेशन हजार। अब आप ही बताइए किसे दे नौकरी? सबसे बड़ी सिफारिश जिसके पास हो उसे दे दो नौकरी। भैया गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आदर्श। रोहित। जी भैया। एक काम करो, इस लड़के को बुलाओ, ये नौकरी मैं इसे देना चाहता हूं। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा सर। नहीं आदर्श, मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि तुम्हारे जैसा लायक नौजवान ही इस नौकरी का असली हकदार है। और फिर तुम्हारी वजह से उस रोज मेरी फैक्ट्री चलने से बच गई, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं। ये लो, इन कागजात पर दस्तखत कर दो और कल से काम पर आ जाना। ये लीजिए सर। आदर्श, ये क्या किया? कागजात पढ़े बिना ही दस्तखत कर दिए? मेरे पास कौन सी जागीर है सर जो आप अपने नाम लिखवा लेंगे? और फिर मेरे बाबूजी ने आपकी फैक्ट्री में 20 साल काम किया, आप अपने पुराने मजदूर के बेटे के साथ धोखा थोड़ी करेंगे। तुझे नौकरी मिल गई? हाँ माँ, और वो भी मैनेजर की। और जानती हो कहाँ माँ? उसी फैक्ट्री में जहाँ बाबूजी काम करते हैं। आपने सुना जी? जानता हूँ, मुझे सब पता चला है।
मैं भी तुम लोगों के लिए खुशखबरी लाया हूं, और वो भी एक नहीं दो। दो? हमारे अनिकेत को स्कॉलरशिप मिल गई है। अब अनिकेत लंदन जाएगा, इंजीनियरिंग पढ़ेगा। अनिकेत, ये रहे तुम्हारे स्कॉलरशिप के पेपर्स। बस अब लंदन जाने के लिए सिर्फ किराए का तुम्हें इंतजाम करना पड़ेगा, बाकी वहां का सारा खर्चा सरकार उठाएगी। और अब बारी है उस खुशखबरी की जिसके बारे में तुम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। भारती, तुम मुझे क्या समझती थी? समाज में मेरी कोई भी इज्जत नहीं? पढ़ो पढ़ो ये लेटर पढ़ो। तुम कैसे पढ़ोगी? जानती हो ये लेटर किसने भेजा है? प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति ने भेजा है। अच्छा, क्या लिखा है इसमें? 26 जनवरी को मुझे दिल्ली बुलाया गया है गोल्ड मेडल लेने के लिए। सारे देश में इस साल का बेस्ट वर्कर चुना गया हूं मैं। और जानती हो ये गोल्ड मेडल मुझे कौन देगा? खुद राष्ट्रपति जी। और क्या देंगे? और एक सर्टिफिकेट देंगे। और एक शॉल देंगे। और यार, और क्या कर रही है? और क्या चाहिए? कुछ पैसे वगैरह नहीं देंगे जी? सुना है दिल्ली में बहुत ठंड पड़ती है, और आपके पास तो गर्म कपड़े भी नहीं है। दिल्ली बहुत दूर है, वहां जाने के लिए किराए के पैसे हैं आपके पास? भारती, मुझे प्रोविडेंट फंड के पैसे मिलने वाले हैं। मैं उन्हीं पैसों से एक वुलन जोधपुरी सूट सिलवाऊंगा और फिर शान से दिल्ली जाऊंगा गोल्ड मेडल लेने के लिए। आदर्श, तुम आज इतने बुझे से क्यों हो? अब तो तुम्हें नौकरी भी मिल गई है। कुछ ही दिनों बाद अनिकेत लंदन जा रहा है, एक साल के लिए। बचपन से लेकर आज तक हम एक दूसरे से कभी जुदा नहीं हुए। पता नहीं कैसे रह पाऊंगा उसके बिना। मगर जिस दिन वो लौट के आएगा, उसे गले लगाते हुए तुम्हें कितनी खुशी होगी, जानते हो? हाँ, मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि मेरे हिस्से की भी सारी खुशियां उसे दे दे, सारे सपने पूरे करे उसके। आदर्श, मेरे ख्याल में हमारे देश की हर फैक्ट्री ऐसी होनी चाहिए। मालिक और मजदूर साथ साथ काम करें, एक साथ रहें। मॉडल तो बहुत अच्छा है, मगर तेरे लंदन जाने के किराए का इंतजाम हुआ? पूरी कोशिश की, दिन रात मेहनत की, मगर 10,000 रुपए की रकम जमा करना नामुमकिन लगता है। सोचता हूं कल जाकर स्कॉलरशिप वापस लौटा दूं। कम से कम मेरी जगह कोई और तो चला जाएगा। क्या अनिकेत लंदन जा रहा है? हाँ, पूरे एक साल के लिए पढ़ने जा रहा है। मुझे तो डर है कहीं वापस आते हुए वो किसी मेम को अपने साथ ना ले आए। नहीं नहीं, अनिकेत ऐसा नहीं कर सकता। नहीं नहीं, कर नहीं सकता, मगर हाँ कर भी सकता है, क्योंकि यहां कौन है उसका इंतजार करने वाला। हाँ, अगर कोई लड़की उससे प्यार करती, उसका इंतजार करती, तो फिर बात कुछ और होती। मगर अनिकेत का किसी लड़की के साथ चक्कर चल ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी लड़की को कहे कि आई लव यू। हाँ, अगर कोई लड़की अपने मुंह से प्यार का इकरार करे तो बात शायद बन सकती है, लेकिन कोई लड़की अपने मुंह से प्यार का इकरार कैसे कर सकती है ना? हाँ, ये भी सही है, कोई लड़की अपने मुंह से अपने प्यार का इकरार कैसे कर सकती है? लेकिन खत लिख के अपने दिल की बात तो बता सकती है। अरे नहीं नहीं यार, मैं उससे अपने प्यार का इजहार विजहार नहीं कर पाऊंगा। मैं जानता था तू उसे कभी नहीं कह पाएगा, इसलिए मैं ये पैड और पेन लाया हूं। तू इस कागज पर गुड्डी के लिए अपने प्यार का पैगाम लिख दे। गलत है ये सब कुछ, ये झूठा इल्जाम है। हम लोगों को आपस में लड़ाने के लिए साबरा की ये नई चाल है। अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे बेटे की वजह से तुम लोगों की नौकरी गई है, तो तुम जो कहोगे वो देने को मैं तैयार हूँ। अरे तुम्हारे पास है ही क्या देने के लिए? मेरी ये जमीन, जो आज तक मैंने अपने बच्चों का घर बनाने के लिए रखी थी, ये जमीन और ये अपना घर मैं तुम्हें देता हूं। इस जमीन पर तुम अपने खुद की फैक्ट्री बनाओगे। मगर फैक्ट्री खोलना कोई मजाक तो है नहीं, कहां से आएंगे इतने सारे रुपए? मैंने सुना है कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है। इस फैक्ट्री की शुरुआत के लिए मेरी तरफ से छोटा सा हिस्सा।
क्या कर रही हो? तुम्हें पहनने के लिए नहीं, फैक्ट्री के लिए दे रही हूँ। ओम गजानन भूत गणाद श्वेतम कपित जम्बूफल चार भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम स्वाहा। ओम गजानन भूत गणाद श्वेतम कपित जम्बूफल चार भक्षणम। क्या हो रहा है भाई, किस लिए मार रहे हैं बच्चे को? अरे हो क्या गया है? इसी हाथ को पकड़ा था ना तूने? hey, छोड़ दे मेरे बेटे को। अच्छा तो तू है इस फैक्ट्री का मालिक, चल साइन कर कि तूने ये जमीन मेरे को बेची है, कर। नहीं, अब ये जमीन मेरी नहीं है, इन मजदूरों की है, इसे मैं नहीं बेचूंगा। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर, ये गुंडे हमसे जबरदस्ती दस्तखत करवाना चाहते हैं। देखिए मेरे बेटे का क्या हाल बना कर रखा है। चल साइन कर, नहीं तो आज तेरे बेटे का अकाउंट बंद कर दूंगा। मैं साइन नहीं करूंगा। ये अंगूठा ले इसका। इंस्पेक्टर ले जाके इसे बंद कर दो, और कल तक इसकी जमानत नहीं होनी चाहिए। ले चलो इसे। कहाँ ले जा रहा मुझे? अरे नहीं चलूंगा। अरे छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। बाबा नायक तुझे नहीं छोड़ूंगा, देख लूंगा तुझे बाबा, देख लूंगा तुझे, तुझे नहीं छोड़ूंगा बाबा। इसका घर खाली कर दो, आज इसका अकाउंट बंद। इतना तो मार चुके हो, इन्हें छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, इन्हें छोड़ दो। सांप को आधा मार के छोड़ दो तो वो और खतरनाक हो जाता है। बस्ती वालों, अगर किसी ने इसकी अट्टी को खांदा दिया या चिता को लकड़ी दी तो उसके परिवार का भी यही हाल करूंगा, याद रखना। चिल्ला और जोर से चिल्ला, आज मैं तुझे बताऊंगा कि कानून का कौन सा दफा कितनी दफा लगता है। पुलिस वाले के मुंह लगता था ना तू? कुत्ते के बच्चे, तू पुलिस वाला नहीं फड़वा है जो कानून को रंडी बनाकर गुंडों के हाथों में बेचता है। मारो हरामजादे को, मैं उसकी मुंह से चीखे सुनना चाहता हूं।
इतना मार खाने के बाद भी तू चीखता क्यों नहीं? इंस्पेक्टर, मुझे जिंदा मत छोड़ना। अगर मैं बच गया ना तो तू नहीं बचेगा। फेंक दो कुत्ते को बस्ती में। इनकी चिता के लिए तो लकड़ी भी नहीं मिलेगी। लाखों सिपाहियों की तलवारों ने जो काम नहीं किया वो काम इन किताबों ने किया है, और फिर हम गरीब हमारे बच्चों को यही तो एक हथियार दे सकते हैं। कहा था ना पाठारे, मुझे जिंदा मत छोड़ना। अब तू नहीं बचेगा। तू Thank you.
मैं आज ही दिल्ली से लौटा। कानून को अपने हाथों में लेने की क्या जरूरत थी तुम्हें? अगर आज मैं तुम्हारी जमानत नहीं करवाता तो कल पुलिस तुम्हें कोर्ट में पेश करती और तुम्हारी सारी जिंदगी जेल में सड़ती। तुम्हारी मां का क्या होता, ये सोचा तुमने? खैर, मेरे भी वही दुश्मन है जो तुम्हारे हैं, मगर मैं मिनिस्टर होते हुए भी उन्हें खत्म नहीं कर सका, क्योंकि बाबा और साबरा के सर पर तलवी का हाथ है। मगर हाँ, नेता होने का एक फायदा है, सरकार के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, सड़क बनाने से पुल बनाने तक, मैं जिसे चाहूं दे सकता हूं। आज तक ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मैं बाहर देता रहा, आज से वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मैं तुम्हें दूंगा। जो भी फायदा होगा उसमें हम दोनों 50-50% के पार्टनर होंगे। देखो, इन बाजुओं की ताकत से तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, पहले उनके बराबर हो जाओ आदर्श, दौलत कमाओ फिर बदला लेना, क्योंकि जो से तुम सिर्फ लड़ाई जीत सकते हो, जंग नहीं। साला तेरे बाप का राज चलता है क्या इधर? साला रूलिंग पार्टी में इसका मतलब मुंह में जो आएगा बकेगा तू? अरे इन लोगों को अकेला मत समझ, इनके पीछे मैं हूं। मैं जा, तेरे को और इस छोकरे को जो करना है ना कर ले, मैं भी देखता हूं क्या बिगाड़ लेगा तू इनका। क्या बिगाड़ लूंगा? बहुत सी फाइलें ओपन करवा दूंगा। साबरा की फैक्ट्री के यूनियन लीडर का मर्डर हुआ था ना, वो पुलिस को नहीं मालूम है, मेरे को मालूम है वो खून किसने किया था और किसने करवाया था। और भी बहुत से ऐसे केसेस है जो ओपन हो जाएंगे। और एक बात याद रखना साबरा, एक बार तेरी फाइल ओपन हो गई ना तो सब कुछ क्लोज हो जाएगा। ठीक है, मैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हूं। आप लोग यही चाहते हैं ना कि जिन मजदूरों को मैंने अपनी फैक्ट्री से निकाल दिया है उन्हें वापस रख लूं? रख लूंगा। ठीक है, तो इस बात की जमानत मैं देता हूं कि आज के बाद आदर्श से तुम लोगों को कोई खतरा नहीं होगा। ठीक है बाबा। अबे ओ मंत्री, तेरे को जो धमकी देना है ना इन सेठ लोगों को देना, मेरे जैसे गुंडे को नहीं, समझा? ए, तू कितना भी बड़ा गुंडा हो, मुझसे बड़ा गुंडा नहीं हो सकता, याद रखना। चलो आदर्श। आज इस छोकरे को छोड़कर हम लोगों ने अच्छा नहीं किया। जानता हूं, लेकिन आदर्श ने इस नेता को अपनी ढाल बना लिया है, अगर वार करेंगे तो अपनी ही तलवार टूट जाएगी। कैसे? ठीक है। अरे तू कितना बदल गया, तू इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया?
तू घर चल, मैं सब बताता हूँ। जब से अनिकेत आया है तुम काफी बदल गए हो। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे अंदर की बेचैनी कुछ कम हो गई है। हाँ, बेचैनी कम हो गई है, इसलिए कि अब युद्ध शुरू होने वाला है। आज तक मां की फिक्र मुझे जंजीर बनकर जकड़े हुई थी, लेकिन अब मां को संभालने के लिए उसका दूसरा बेटा आ गया। अब अगर मुझे कुछ भी हो गया तो मुझे गम नहीं होगा। आदर्श, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? सहारे इंसान को कमजोर बना देते हैं, और कमजोरों को यह दुनिया जीने नहीं देती, जैसे मेरे बाबूजी को जीने नहीं दिया। उनकी चिता की आग तो ठंडी हो गई, लेकिन मेरे दिल में जो आग लगी है वो उस दिन तक जलती रहेगी जब तक मेरे बर्बादी के जिम्मेदार इस दुनिया में सुकून की सांस लेते रहेंगे। नहीं छोड़ूंगा उन्हें, नहीं छोड़ूंगा। हाँ बोलो, तुम मेरे से मिलने इस पुलिस लॉकअप में क्यों आए हो? रघु, मैं जानता हूं कि तुमने शंकर पांडे का खून अपनी जाति दुश्मनी के लिए किया, और अदालत उसकी सजा तुम्हें देगी। लेकिन तुमने कभी यह सोचा है कि सजा मिलने के बाद तुम्हारी बीवी बच्चों का, तुम्हारी बहन का क्या होगा? मैंने तुम्हारी बीवी को 1,00,000 रुपए दिए ताकि वो कोई छोटा मोटा कारोबार करके अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सके। मगर यह सब आप मेरे लिए क्यों करना चाहते हैं साहब? मुझे तुम्हारे मुंह से अदालत में एक बयान दिलवाना है। अदालत में तुम्हें यह कहना होगा कि शंकर पांडे का खून करने के लिए तुम्हें बाबा नायक ने कहा था। न जाने आपने ये कैसी कसम खाई है, लाखों रुपए खर्च करके टेंडर दूसरे लोगों के नाम दिलवा रहे हैं। आखिर इस खेल में आपका क्या फायदा है? इसमें मेरा फायदा हो या ना हो, साबरा का नुकसान तो हो रहा है, मैं उसे बर्बाद कर देना चाहता हूं। अरे अनिकेत, तू अभी तक घर नहीं गया? नहीं यार, ओवर टाइम कर रहा हूं। ओवर टाइम? हाँ, कल छुट्टी है ना। अरे छुट्टी लेके क्या करेगा, गुड्डी को टाइम दिया है क्या? नहीं, उससे तो शाम को मिलूंगा। क्या है, जब से आया हूँ काम पे लगा हुआ हूँ, दोस्तों से मिलने की फुर्सत ही नहीं मिल रही। कल सबसे पहले जाके सुभाष से मिलूंगा। सुना है कि साहब इंस्पेक्टर बन गए हैं। इतने कम वक्त में पुल भी तैयार हो गया, वेरी गुड आदर्श। लेकिन हाँ, इस पुल का प्लान अभी तक पास नहीं हुआ है। इस प्लान पर किसी इंजीनियर के सिग्नेचर चाहिए। सिग्नेचर भी हो जाएंगे सर। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है आदर्श, करोड़ों की लागत से बने पुल का प्लान है। इसके बिना फाइनल पेमेंट भी नहीं होगा, और अगर बात खुल गई तो स्कैंडल हो जाएगा। कुछ नहीं होगा सर, बात घर में ही रहेगी। उस प्लान पे साइन मेरा भाई अनिकेत करेगा। अरे अनिकेत, जरा ये नक्शे पर साइन करना। दिखा, किसने तैयार किए? अरे तैयार कहा, ये तो सर्वे ऑफ इंडिया के नक्शे को देखकर अपने मुंशी जी ने बनाया। तो फिर तू मुंशी जी से साइन क्यों नहीं करवाता? अनिकेत तू समझ नहीं रहा है, रजिस्ट्रार चाहता है कि इस पर एक इंजीनियर के दस्तखत हो, और तू तो जानता है कि मुंशी जी तो सिर्फ मैट्रिक पास है। ये ले। आदर्श, जो काम मैंने नहीं किया उसकी जिम्मेदारी मैं कैसे ले लूं यार? सर्वे ऑफ इंडिया के नक्शे में क्या गलती हो सकती है? ये ले, जल्दी से साइन कर दे। जिस काम को मेरी आत्मा मंजूर नहीं करती, तू तो जानता है कि वो काम मैं कभी नहीं करता। क्या ये काम तू मेरे लिए भी नहीं करेगा? अनिकेत, ये मामला लाखों का नहीं करोड़ों का है, और फिर पुल भी बन गया है। क्या सच्चाई तुझे मुझसे भी ज्यादा प्यारी है? आदर्श, सच्चाई के लिए किसी भी चीज को कुर्बान किया जा सकता है, मगर किसी भी चीज के लिए सच्चाई को कुर्बान नहीं किया जा सकता। और फिर सवाल लाखों करोड़ों रुपयों का नहीं है, सवाल इंसानी जिंदगियों का है। ठीक है, मैं किसी दूसरे इंजीनियर से साइन करवा लूंगा। ये किस आदमी को इंजीनियर रख दिया है तुमने? लात मारता है, और वो भी कहीं भी। अरे वो तो
तो सक्सेना साथ थे, रिश्वत का नमक खाया है, सह गए। इनके बजाय कोई हमारा डैम होता तो टूट जाता ना। कहता है ऐसे पुल बनाओ जो हजारों साल चले। अरे पुल नहीं गिरेंगे तो हमारी गवर्नमेंट कैसे चलेगी? गवर्नमेंट गिर जाएगी ना। सक्सेना साहब की सीमेंट वापस करवा दिया, कहता है इसमें रेत की मिलावट है, सबका सामान वापस करवा रहा है। अगर यही इंजीनियर रहा तो हम सबको कटोरा लेकर किसी सिग्नल पर भीख मांगनी पड़ेगी। 10 पैसा दे दो। भीख तो हमें कोई नहीं देगा, लेकिन तुम्हारा इंजीनियर वहां भी पहुंच जाएगा और कहेगा यह कटोरा ठीक नहीं है, इसमें भी मिलावट है। आदर्श इसका कुछ करो वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे। आप लोग अपना सामान भिजवाइए, काम मैं शुरू करवाता हूं। मैंने करवाया है ये काम, मैंने, और यहां काम ऐसे ही होगा क्योंकि मैं यहां कारोबार करने बैठा हूं, देश सेवा नहीं। बड़ा दुख हुआ तेरी ये बातें सुनकर। बाबूजी ने कितने प्यार से तेरा नाम आदर्श रखा था ये सोचकर कि तू उनके बताए हुए आदर्शों पर चलेगा, मगर तूने तो अपने नाम का मतलब ही बदल दिया। हाँ बदल दिया है, क्योंकि मैंने यही देखा है कि ये दुनिया बहुत बुरी है, बहुत बुरी है अनिकेत। जो भी देती है बुरा बनने के बाद ही देती है। हम दोनों ने एक ही किताब पढ़ी थी, मगर ये सबक तूने कहां से पढ़ लिया मेरे भाई? मैं ये तो जान गया था कि तू बदल गया है, मगर तू इतना बदल गया है इस बात का एहसास मुझे आज हुआ है। आज तेरी नजरों में सच्चाई की कोई कीमत नहीं रही। सच्चाई? सच्चाई की बात मत कर अनिकेत, बाबूजी ने हमेशा सच्चाई का पाठ पढ़ाया, लेकिन क्या हुआ? 2 दिन तक रास्ते पर पड़ी सड़ती रही उनकी लाश, एक आदमी नहीं मिला उस सच्चाई की अर्थी को कांधा देने के लिए, एक आदमी नहीं। तुझे एक आदमी नहीं मिला उनकी अर्थी को कांधा देने के लिए, मगर मैं कैसे भूल सकता हूं कि बचपन में जब मैं भूख से बिलख रहा था मुझे एक आदमी मिला था, बाबूजी, जिसने मुझे खाने के लिए रोटी दी, सर पर छत दी। आदर्श, मेरी ये जिंदगी बाबूजी का कर्ज है, इसलिए जब तक मैं जिंदा हूं उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलूंगा मैं। उस रास्ते पर तुझे दुख के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा अनिकेत। सच कह रहा है तू आदर्श, एक बहुत बड़े दुख का सामना तो मुझे अभी करना पड़ेगा। तुझे छोड़कर जा रहा हूं मैं। मैंने नहीं, उसने छोड़ा है मेरा साथ, उसने कुछ ख्याल नहीं किया उसने दोस्ती का, बचपन के साथ का, बस यूं ही चला गया। क्या समझता है वो मैं जी नहीं सकता उसके बिना? ईमानदारी की बातें करता है, भूखा मरेगा। अरे जब भूख लगती है ना तो पेट ये नहीं पूछता कि ये रोटी ईमानदारी की है या बेईमानी की। आदर्श सेठ, ये रही साबरा के घर की चाबी, आज उसके घर के दरवाजे खुद उसी के लिए बंद हो गए। hey, ये किसकी गाड़ी है? तुम? हां साबरा, मैं। कैसा लग रहा है बेघर होने के बाद? तेरा घर मैंने खरीद लिया, तो तू ही है मेरी बर्बादी का जिम्मेदार। हां साबरा, मैं ही तेरी बर्बादी का जिम्मेदार हूं। तेरे टेंडर्स मैंने ही दूसरे को दिलाए, तेरी मिल मैंने ही खरीद ली। याद कर साबरा, बिना छत मेरे बाप की लाश 2 दिन सड़क पर सड़ती रही। याद है? याद आया साबरा? अगर याद नहीं आया तो ये देख।
ये क्या किया तूने आदर्श? ये कैसा डैम बनाया? पहले ही दिन टूट गया और रिबिन काटने के लिए मुझे बुलाया था। अरे वो तो अच्छा हुआ कि मैं नहीं गया, वरना मैं तो बह गया होता तेरे उस डैम के साथ। मुझे तो तैरना भी नहीं आता। इतनी बेईमानी आदर्श, इतनी बेईमानी! अरे मैं क्या कह रहा हूं सुन रहे? तो चिल्लाओ मत, सुन रहा हूं मैं। बेईमानी बेईमानी होती है, चाहे कम करो या ज्यादा, नतीजा तो एक ही होता है। जो डैम 2 साल बाद टूटने वाला था वो आज टूट गया, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है आदर्श, मुझे फर्क पड़ता है। बदनाम, बदनाम हो गया हूं मैं। हजारों लोग हजार तरह के सवालत कर रहे हैं मुझसे, क्या जवाब दूंगा मैं? आपने मुझे दौलत कमाने के लिए अपने साथ रखा था, वो मैंने किया। अब किसको क्या जवाब देना है ये सोचना आपका काम है, मेरा नहीं। ठीक है, तुम चलो। जानता है क्या है ये? ये तेरे सारे गुनाहों के सबूत है आदर्श। तुझे लगता है कि कागज के इन टुकड़ों के सहारे तुम मुझे सजा दिला सकेगा? अरे ये सबूत नहीं, रद्दी के वो टुकड़े हैं
जिनकी इस देश में कोई कीमत नहीं। अरे इससे पहले क्या इस देश में पुल नहीं गिरे, डैम नहीं टूटे, हादसे नहीं हुए, गरीबों की जाने नहीं गई? कानून ने आज तक किसी एक आदमी को भी गिरफ्तार किया? अदालत ने किसी एक को भी इस जुर्म की सजा दी? हाँ, ज्यादा से ज्यादा दिखावे के लिए कमीशन जरूर बिठा दिए जाते। तू आज भी उस देश में जी रहा है अनिकेत, जिसके बारे में हम बचपन में किताबों में पढ़ा करते थे। लेकिन आज आज वो देश बदल गया है, एक नीलाम घर बन चुका है, बोलियां लग रही है, हर आदमी बिक रहा है अनिकेत, हर आदमी। तेरे पास सबूत है ना, तो जा जा कोर्ट में, जो बिगाड़ सकता है बिगाड़ ले, मेरा देखता हूं तेरी सच्चाई क्या कर लेती है। मेरा आदर्श, आज का अखबार पढ़ा तुमने? अनिकेत को गिरफ्तार कर लिया गया है। अनिकेत को रोका नहीं जा सकता। तोड़ा तो जा सकता है, उसे मारकर। देश पांडे, नाम मिटा दूंगा उस हरामजादे का, जिसने मेरे भाई की तरफ आग भी उठाकर देखा तो। अच्छा, शायद तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। मैंने तुम्हें शेर बनाया है, लेकिन तुम नहीं जानते कि मैं शेर के मुंह में हाथ डालकर उसके पेट से अंतड़ियां निकाल लेता हूं। अपनी ताकत के घमंड में आके शेर के मुंह में हाथ डालने की कोशिश भी मत करना देशपांडे, वरना मिटा के रख दूंगा तुझे। और याद रखना, अगर अनिकेत के जिस्म पर एक भी खराच आई तो मैं तेरे जिस्म से खून की एक एक बूंद को निचोड़कर मिट्टी में मिला दूंगा, समझा?
आज तेरी जिंदगी का अकाउंट मैं बंद करूंगा। शमशान की तरफ। शायद आप नहीं जानते, ये आप लोगों के भाई बंधुओं की चिताएं नहीं है, ये मेरी अपनी चिता है, मेरी अपनी चिता। मैं पार्लियामेंट में आवाज उठाऊंगा और आदर्श को सजा दिलाऊंगा जो इस केस ट्रेजरी कांड का जिम्मेदार है। लेकिन याद रखना, इस इलेक्शन में वोट देकर मुझे ही कामयाब बनाना, क्योंकि मैं ही तुम्हारा सच्चा हमदर्द हूं। तुम्हारे घर मैंने बर्बाद नहीं किए, इन तीनों ने किए। ये दोनों सरासर झूठ कह रहे हैं, गैस ट्रेजेडी में मेरा कोई हाथ नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो, अनिकेत कभी झूठ नहीं बोलता। मैं तुम्हारा नेता हूं, रुक, देखो रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ। मार